एक बहन सवाल पूछती है कि जूता छुपाई की रस्म हमारे यहाँ चल रही है शादी ब्याहों के अंदर, ये रस्म ठीक है? देखिए मेरी बहन, शादी ब्याहों के अंदर तो बहुत सारी ऐसी अजीब और गरीब किस्म की रस्में चल रही हैं जो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। और ये जो जूता छुपाई वाली रस्म है ये तो बड़ी ख़तरनाक है। इसके अंदर दो खराबियाँ हैं। एक खराबी तो ये है कि जब किसी दूल्हे वगैरह की जूते को छुपा लिया जाता है तो फिर ज़बरदस्ती उससे माल मांगा जाता है, इतने पैसे देने पड़ेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब किसी पैसे वगैरह के ऊपर इंसान देने पर राजी ना हो, जब तक उसकी मर्ज़ी ना हो तब तक वो माल हलाल जायज़ नहीं होता आपके लिए। और दूसरा, जब कोई ये आमतौर से लड़की के जो भाई या बहनें होती हैं, भाई तो कम बहनें ज़्यादा करती हैं, सालियाँ वगैरह, उनकी जानिब से होता है ये काम, तो लिहाजा फिर वो बेतकल्लुफ़ होती हैं, उसमें हंसी मजाक और बेतकल्लुफ़ी गैर महरम के साथ। तो दो खराबियाँ हैं। ज़रूरत इस बात की है कि और रस्मों के साथ साथ इसको भी ख़त्म करें। वो आजकल मैसेज चला था ना कि लड़के का जूता छुपाने के बजाय मोबाइल छुपाओ, जो मांगोगे वो मिलेगा। बताओ, ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, बचने की ज़रूरत।